अरे मजे आ गए भाई, मजे आ गए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आई एम रक्षा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू ट्रैवल। और भाई हम हैं फिलहाल श्रीनगर में और हम जा रहे हैं अभी गुलमर्ग जाएंगे। यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे है और अभी बता रहा है, देखो 56 किलोमीटर है 2 घंटे। तो अभी बजे है 11:30, श्रीनगर से निकलते निकलते तो बज जाएंगे 12, तो 2 के आसपास हम पहुँचेंगे, फोटोज वोटोज खिंचा के फिर वापस आ जाएंगे। और आज यहाँ पे आई थी भाई बारिश, अच्छी खासी बारिश आई हुई है। तो जल्दी जाना पड़ेगा, जल्दी वापस आना पड़ेगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो सकता है, बारिश वगैरह वापस फिर से आ सकती है। तो हमने रेन कवर्स वगैरह ले लिए, मैंने बैग का रेन कवर और इसमें हमारे रेन कोट्स हैं। फिर निकलते हैं अभी, अब फुल भाई आज फुल मजे करेंगे आज। हो गया क्या? चलिए, जल्दी, हो गई है। तो भाई लोग चलो निकलते हैं। और ये वाले ग्लव्स इसलिए पहन रहा मैं क्योंकि अभी ठंड रहेंगी, बारिश आई है तो रहना, तो थोड़ा हाथ काम करेंगे फिर वहाँ पे गुलमर्ग में, नहीं तो उसमें काम नहीं करेंगे भाई। ठंड पूरे वो वेंटिलेशन से हवा जाते जाते पूरे भाई हाथ सुन पड़ जाते। चलो दो मोरिया, कश्मीर की वादियों में थोड़ा सा टहल के आते हैं। चलो, बट मौसम अच्छा हो गया, पर एक नंबर मौसम हो गया बारिश आते सी। अरे ओ कुकड़े, क्या बात है भाई साहब, इधर के होटल्स भाई, इनका स्ट्रक्चर कितना प्यारा है ना इधर। तो भाई लोग यहाँ से अपने को लेफ्ट लेना है, गेटवे टू गुलमर्ग। क्या बात है, कितना बड़ा बना के रख दिया, मस्त नाइस। अभी सिर्फ बचे 38 किलोमीटर। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या प्यारा लग रहा है भाई। देखो पूरा फॉग, पूरे पेड़, पूरे पहाड़ पता चल रहे अभी। और ये सामने देखो भाई, कितना 40, उनको दे दीजिए। ओहो, क्या बात है, पूरा स्नो में भरता होगा तो कितना प्यारा लगता होगा ना भाई। ओहो भाई साहब, मजा आ रही भाई मेरे को तो, अभी रोड देख के खुश हो गया मैं। पर्ची दाखुन दे, लेते दाखुन दे, पर्ची दाखुन। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ऊपर कैसा वेदर है, वेदर कैसा है ऊपर? थोड़ा सर्दी है बहुत, पहाड़ी इलाका ना। हाँ, बर्फ है। अच्छा, ये घोड़े में, ये पार्किंग में रखना, फिर घोड़े में चलना चलेगा। हाँ थैंक यू भैया। तो आज ऐसा कुछ शॉर्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो आपको शायद अच्छा लगे। तो भाई अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन ठोक देना भाई। क्या बात है भाई, अभी तक के हम पहुँचे ही नहीं, वो 360 वगैरह का चल रहा था और भैया का वापस GoPro का इशू। और ये देखो भाई झाड़ कितने बड़े बड़े हैं, कितना मस्त सीनरी है भाई इधर रोड पे, कितना प्यारा लग रहा था, फील आ रहा है एकदम प्रॉपर। ओह हो भाई साहब,
मुझे लगता है अगर सनी रहता था और खिल के आता था ये। तो भाई कितना फॉग बढ़ गया एकदम से ऊपर आते से, और वाइजर के अंदर तो फॉग जमा हो गया, और हम इसमें बात करते हैं तो उससे ज़्यादा हो जाता है। ओ हो, अच्छी खासी ठंड बढ़ गई है। और पता है अगर ये क्लियर होता था ना तो ये वाला पोर्शन इतना प्यारा लगता था, बट वो हुआ नहीं साला, वो इतना एकदम आज सुबह सुबह बारिश आ गई उसकी वजह से पूरा वेदर भसक गया। मेरे हाथ तो पूरे फ्रीज हो गए, इतना बड़ा ग्लव्स पहनने के बाद भी हाथ फ्रीज है भाई मेरे। के झगड़े हो जा रहे हैं भाई, झगड़े चल रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या दिख रहा भाई ये देखो भाई, कितना प्यारा लग रहा है, मस्त बढ़िया। उधर थोड़ा सा क्लियर हो गया। आ गया जी अपना चिकन सूप और चिकन कबाब। चिकन कबाब बढ़िया, सही में बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। ये खाना खाते खाते भाई ध्यान गया ऊपर, वो देखो भाई पहाड़ देखो बर्फ के। मैं बोला था ना वो जितना क्लियर दिखेंगे ना वो और अच्छा दिखेगा। तो लास्ट में लिए जा रही है कॉफ़ी। ओ अभी मेरे को ना खाने के बाद भाई अच्छी खासी ठंड लग रही चालू होगी, हम देखते हैं। यहाँ पे गंडोला राइड रहती है, आपको ट्रॉली में बिठा के आपको ऊपर लेके जाते हैं और आपको पूरे पहाड़ दिखते हैं नीचे। तो हम सोच रहे हैं करने का, बट उसमें 2 घंटे जाते हैं, तो अभी देखते क्या करना है करने। चलो मैं कॉफ़ी एंजॉय करता हूँ। तो हम अभी निकाल रहे हैं गंडोला राइड की टिकट। तो भाई लोग अपन जा रहे हैं गंडोला राइड पे, अभी एंड मोमेंट पे टिकट निकाली है। 3:30 ऑनलाइन टिकट होती है, ऑनलाइन होती है, आप खुद भी निकाल सकते हो, बट हमने यहाँ से निकाली है। तो यहाँ से अपने को ऊपर जाना है। तो भाई भागने भागने का काम है, बट ये शूज में भागना नहीं हो रहा, ठंड में वाट लगती है, हालत खराब हो रही, बट कोई बात नहीं। लो जी कैसे वैसे थके हारे पहुँच गए भागते दौड़ते और लाइन में आ गए, अच्छा खासा मजा है। ब्रेकफास्ट करते करते ध्यान में आया कि अपन ये कर लेते अभी यहाँ पे आए थे। अरे स्पीड स्पीड ओ सब स्पीड अच्छी खासी है इसको। अरे मजा आ रही, अरे मस्त गर्म हो रहा है ना थोड़ा यहाँ पे। हाँ एकदम, वो बहुत पैक है शायद, ये पैक है पूरा सफोकेशन। कौन से टाइप के घर है भाई? शुरू हो गया वापस, हो गया हट के हाथ में आ गई थी भाई, शायद लाइट गई होगी, होते ना लोड शेडिंग। क्या बात है कहाँ ला के रख दिए। अरे भाई चलो थोड़े वादिया घूम, वो देखो कितना प्यारा लग रहा, मस्त 2 घोड़े पे भाई मस्त घूम रहे। चलो थोड़े वादिया घूमते, चलो थोड़ा नीचे उतर के घूमते। तो छोटे इग्लूज बना के उसमें डाइनिंग सेटअप है प्रॉपर, और ये फेज 1 है, नहीं फेज 2 है ना, फेज 1 ये फेज 2 पर, ये फेज 1 है और फेज 2 वहाँ पे पड़ता है। तो ये जो काट जा रही है अभी ये फेज 2 के लिए जा रही है। सनलाइट आला यहाँ पे भाई, ये चीजें देख के ये आदमी खुश हो गया है भाई, और ये मस्त काट ऊपर जा रही है नीचे आ रही है। ओहो मजा आ रही है, अभी मस्त फोटोज वीडियोज सब करते हैं फिर निकलेंगे। रोमांटिक है, मजेदार है भाई एकदम, यहाँ पे भाई वाइफ को लेके आने का, इनका तो सही है शादी। अभी अगले साल चलो साथ में जाते सब, साथ में जाने के लिए मैं शादी करूँ फिर।
start to feel like I'm dreaming. Man should have seen that look on my face. But I'm so low key, I'm an anonymous G that I left no trace. भाई ये अभी व्यू को अभी बाय बाय करने का टाइम आ चुका है. बहुत मजा की है और जो खाने के टाइम पे जो सोचा था ना वो वर्थ निकला है. बिल्कुल मजा आ गई. मजा आ गई. अगर इतर नहीं आते थे ना तो फिर वो ऐसा होता था कि भाई श्रीनगर में किया क्या है. फेज वन पे आ जाओ. फेज टू पे फिर बर्फ है भाई. फिर अगर वहाँ पे भी जाना है तो जा सकते हो. वो बहुत ठंडा होगा. वो अपने अपने इस पे है. बट यहाँ पे आके भाई नॉर्मल पर्सन यहाँ पे आके खुश है. अभी ये देखो कितना मस्त हो गया है. चलो तो निकलते हैं अभी नीचे. 4:30 लास्ट रहता है तो उसके पहले अपन नीचे उतर के क्योंकि अपने को 2 घंटा फिर श्रीनगर भी जाना है. ये देखो गाइस कितना प्यारा दिख रहा है अभी व्यू. इंस्टाग्राम पे आप फॉलो नहीं कर रहे तो ये _v_ ट्रैवलर उस पर फोटो दिख जाएंगे आपको. गुलमर्ग छोड़ने का वक्त आ चुका है दोस्तों. चलिए वंडरसेन जी श्रीनगर आपका वेट कर रहा है. हमारा भी अभी का जो माहौल हो गया ना बहुत प्यारा हो गया. पता है सूरज मस्त पीछे हल्का हल्का सा फॉग. चलो बाय बाय गुलमर्ग जी. भाई सामने पहाड़ देखो कितना प्यारा दिख रहा है. पूरा नीचे फॉग है और ऊपर से पहाड़ दिख रहा है. ओह और यहाँ पे वंडर सेन जी इतने प्यारे व्यू में खुद के गोपुर के बैटरी बदल रहे हैं. अभी बजे है 5. श्रीनगर पहुँचते पहुँचते 7 बज ही जाएंगे. ओह लाइटिंग कितना प्यारा लग रहा है यार. I feel like king of the hill and they never gonna take my crown. Nah.